स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटा इससे पहले हमने जो क्लास की है उसके अंदर बेटा हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 4.1 किए हैं हमने, और 4.2 का पहला क्वेश्चन किया है जिसके अंदर हमने क्या किया था बेटा फैक्टराइजेशन। आज हम क्या करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमको दिया गया है दो नंबर का सम कितना 27, मतलब हमारे पास दो नंबर हैं, उन दो नंबर का सम कितना है 27। मान लो मेरे पास एक नंबर क्या है x, तो दूसरा नंबर क्या बचेगा 27 माइनस x, ताकि इन दोनों का सम कितना आ जाए 27। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, हमने एक नंबर क्या मान लिया x, तो दूसरा क्या आ जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 27। बताएं सभी चैट बॉक्स में y for yes and for no। बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहेंगे साथ साथ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहेंगे। बेटा मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर था 10, तो दूसरा नंबर कैसे आएगा 27 में से 10 गया 17, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए 27। तो मैंने क्या करा, एक तो मान लिया x, दूसरा क्या हो गया 27 माइनस x। क्लियर है, आगे का गिवन है ध्यान दो, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कितने गिवन है 182। ध्यान दो पहला नंबर x, दूसरा नंबर 27 माइनस x, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 182। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, यहां से बनेगी इक्वेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां से बनेगी बेटा इक्वेशन। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर, वेरी गुड। नाउ फोकस, हमें क्या करना है बेटा, हमें बनानी है इक्वेशन। कैसे बनाएंगे ध्यान दो, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इक्वल्स टू 182, मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू x, 27 x प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू x, x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। क्लियर है, ये किसका है प्लस, इससे आगे माइनस, पहले हमने लिख लिया x स्क्वायर, फिर हमने लिख लिया x, फिर हमने लिख लिया नंबर। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर, यहां तक क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर, यहां तक। इसके बाद बेटा सभी बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, हम कोशिश करते हैं कि x स्क्वायर के आगे क्या आ जाए प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इन सभी में से माइनस का निकालेंगे कॉमन। सभी ध्यान दो, जब माइनस कॉमन निकलता है तो क्या होता है साइन चेंज, ये माइनस क्या बन गया प्लस, ये प्लस क्या बन गया माइनस, ये माइनस क्या बन गया प्लस। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है साइन चेंज, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, इस माइनस को ले जाओ जीरो के नीचे, वो जाएगा जीरो, तो इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है फाइनल इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू जीरो। क्या सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर, बेटा फटाफट लिखें चैट बॉक्स में y for yes and for no। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, मजा आएगा। मंदी बेटा दोबारा रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पूरा कर दूं। देखो बेटा अब हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है, आप सभी को पता है। यहां पे क्या लिखेंगे 1 कोफिशिएंट, यहां पे क्या आएगा माइनस का 27, यहां पे क्या है 182। हमें क्या करना है इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कितना आ गया 182। हमें क्या करना है इसको बांटना है दो भागों में, ऐसे बांटना है ताकि उन दोनों का सम कितना आना चाहिए माइनस का 27। सभी सोचो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं, सोचो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सोचो दिमाग में आइडिया।
अगर आपका नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाए, अगर आपको सोचने में दिक्कत हो तो कुछ नहीं करना, आपको आराम से पीएफ करनी है, ध्यान दो। इसकी पीएफ करूंगा 2 से, कितना आएगा 91, फिर जाएगा 7 से, कितना 13, 13 से 1, ध्यान दो, 7 2 जा 14 और 8 13, तो 14 और 13 से क्या बन जाएगा 27। क्या सभी बच्चों को फैक्टराइजेशन क्लियर? क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे, एक तो 14 में और एक 13 में? क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर, ये चीज क्लियर है? बेटा प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करना, वीडियो मिल जाएगी क्लास की आपको, जो भी पढ़ा रहा हूं इसकी आपको वीडियो दे दूंगा, रिवाइज करना दोबारा से, समझ में पक्का आएगा, ठीक है? ध्यान दो, हमें क्या चाहिए था 27 माइनस का, ये दोनों किसके हैं प्लस, तो हम क्या करें दोनों को माइनस का, क्यों? माइनस का तो 14 और माइनस का 13, दोनों मिला के क्या बन जाएगा माइनस का 27, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने क्या किया 27 को तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया, माइनस का 13 माइनस का 14 प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। क्या सभी बच्चों को ये इक्वेशन क्लियर है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आराम नाम से समझेंगे, आराम नाम से करेंगे, ठीक है? आप मुझे सभी बच्चे बताओ क्या कॉमन आएगा, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? हां जी बेटा, वेरी गुड, स्पीक अप, वेरी गुड वेरी गुड, यस, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, यस यू आर राइट। बेटा यहां x दो बार है, यहां x एक बार है, तो कॉमन आएगा बेटा x, यहां क्या बचेगा x, x तो आगे बाहर, क्या बचेगा 13, क्लियर है? गॉट इट? सर ने आपको सिखाया था अगर यहां पे माइनस आ जाए तो माइनस का लेना है कॉमन, यहां पे तो है 14, इसको मैं लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाई 13, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है 14 आएगा कॉमन, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, सर ने अभी बताया था जब माइनस क्या लोगे कॉमन, साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये था माइनस किसका बन गया प्लस, ये किसका था प्लस किसका बन जाएगा माइनस। क्या सभी बच्चों को कॉमन लेना क्लियर है? कॉमन बेटा, कॉमन लेना क्लियर सभी को? वाई फॉर यस एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स। बेटा बिल्कुल आसान है, समझने में भी मजा आएगा, समझो आराम से, वेरी गुड, बोलो वाई फॉर यस एंड फॉर नो, क्लियर? बिल्कुल आसान है बिल्कुल। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, निकालेंगे कॉमन, क्या कॉमन आएगा x माइनस 13, क्या बचेगा बेटा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, यहां से दो रास्ते, x माइनस 13 को 0 कर दिया, x की वैल्यू 13, x माइनस 14 को 0 कर दिया, x की वैल्यू 14, क्लियर है? ध्यान दो, अगर हमारा पहला नंबर क्या हो जाए 13, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस 13, क्या आ गया 14, और अगर मेरा पहला नंबर क्या हो जाए 14, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस 14, कितना आ गया 13, क्लियर है? तो जो पेयर बना वो पेयर किसका बना 13 और 14, दिस इज द फाइनल आंसर। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या सारे बच्चों को कुछ कुछ क्लियर है, कुछ कुछ, एक बार इसको रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद फिर अपना डाउट आउट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने से आएगा। ओके बेटा वेरी गुड नाइस, सभी रिप्लाई करेंगे बेटा वाई फॉर यस एंड फॉर नो, एक बार रिवाइज करना, मैं बोल रहा हूं वीडियो आ जाएगी, वीडियो से रिवाइज करना, अगर फिर भी ना आए देन आई एम हियर, लेकिन बेटा रिवाइज करना है पहले रफ में, फिर मिलेगा आपको पीडीएफ, फिर आपको करना है फेयर में, कोई बच्चा फेयर में गलत नहीं करेगा, बिकॉज फेयर नोटबुक बेटा आपको हेल्प करती है पेपर के टाइम में, जितनी अच्छी फेयर कॉपी होगी उतनी अच्छी हेल्प होगी पेपर में। सब कुछ ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा इस कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कंसेक्यूटिव, बताओ चैट बॉक्स में। मान लो मेरे पास एक नंबर है 3, तो 3 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, बोलो वेरी गुड वेरी गुड, बोलो अगर मेरे पास एक नंबर है 3
तो तीन का कंसेक्यूटिव क्या होगा बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू आर सेइंग राइट। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर मेरा एक नंबर तीन है तो उसका लगातार क्या होगा फोर। क्लियर? क्या सभी को कंसेक्यूटिव का मतलब क्लियर है? क्या सभी बच्चों को कंसेक्यूटिव का मतलब क्लियर? अगर मैं एक नंबर एक्स मान लूं तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा बोलो चैट बॉक्स में। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। मैंने एक नंबर मान लिया एक्स तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? कुछ नहीं करना, एक्स में एक जोड़ दो, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन। ध्यान दो, मैंने एग्जाम्पल लिया था तीन, उसका कंसेक्यूटिव क्या है चार। अगर कंसेक्यूटिव निकालना है तो एक जोड़ दो। अगर मैंने एक नंबर क्या मान लिया एक्स तो उसका अगला नंबर क्या होगा एक्स प्लस वन। क्या सभी बच्चों को ये पहली चीज क्लियर है कि अगर हमने एक नंबर एक्स मान लिया तो अगला क्या आएगा एक्स प्लस वन। क्लियर है? अब ध्यान दो बोर्ड पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दो। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिए, सम ऑफ हूज स्क्वायर। हमें क्या करना है पहले स्क्वायर करना है और फिर क्या करना है सम करना है। ध्यान दो, एक्स का स्क्वायर तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वायर का सम कितना है 365। क्या सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर? क्या सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर? दो नंबर मानने लगातार मान लिए दोनों के स्क्वायर का सम, तो पहले किया स्क्वायर और बाद में जोड़ दिया इक्वल्स टू 365। आप सभी बच्चे मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में, क्या सभी को ये याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कोई क्वेश्चन लगने वाला है, क्या सभी बच्चों को याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड, बताओ याद है क्या? वाई फोर यस एन फोर नो, वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी को याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमें उसको अप्लाई करना है कैसे, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है? इक्वल्स टू 365। फर्स्ट स्टेप क्लियर, अब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज वन का स्क्वायर वन प्लस टू वन जा टू, साथ में x इक्वल्स टू 365। क्लियर? एक और एक दो, 2x स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद 2x और उसके बाद नंबर, ये किसका है प्लस, इसे लगे माइनस इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू जीरो। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर? ओके स्टूडेंट्स बेटा फोकस अगेन, दोबारा रिपीट करता हूं, देखो बेटा ध्यान दो, क्या सभी को पहला स्टेप क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमने किया ओपन a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? नेक्स्ट x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज वन का स्क्वायर वन, साथ में 2 वन जा 2, साथ में x। क्लियर है? ये वाली चीज एज इट इज। नेक्स्ट है एक और एक दो, पहले क्या लिख दिया 2x प्लस 1 एज इट इज प्लस विल बिकम माइनस। क्लियर है? ये वाली चीज एज इट इज, माइनस करने पे 364 बड़ा कौन है माइनस का। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? क्या सभी बच्चों को यहां तक इक्वेशन क्लियर? यहां तक? हां जी बेटा रिप्लाई करो बेटा चैट बॉक्स में बेटा, वेरी गुड रिप्लाई करो। Y for yes and for no. कोई बच्चा मुझे बताएगा ये इक्वेशन किससे कट सकती है? मैं मेरे सभी नंबर्स को किससे काट सकता हूं इक्वेशन को छोटा करने के लिए, किससे काटूं? आप सभी को दिख रहा है कि मैं इस इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर सकता हूं किससे, दो से, ताकि क्या हो जाए मेरी इक्वेशन छोटी हो जाए। कैसे? ध्यान दो, डिवाइड बाय टू बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दो
दो से डिवाइड, क्या हो जाएगा, दो से दो कट, दो से दो कट, कोई मुझे बताएगा ये किसके कटने वाला है, बोलो चैट बॉक्स में, बोलो चैट बॉक्स में, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, बोलो, वेरी गुड स्पीकर, अगर मैं इस चीज को इससे डिवाइड करूं तो क्या सभी का आ रहा है, 182 आ रहा है सभी का, डिवाइड करने पे हमको मिलेगा 182, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करनी है, फैक्टराइजेशन, ध्यान दो, यहां नंबर है 1 लिख लिया, यहां नंबर है फिर 1 लिख लिया, यहां पे क्या है माइनस का 182, ध्यान दो मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए माइनस का 182, इसको तोड़ना है दो नंबर में, दो नंबर में ऐसे तोड़ना है, उन दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, प्लस 1। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने जो अभी क्वेश्चन किया था पिछले वाला उसमें भी सेम आया था, तो हमने तोड़ा था किसमें, 14 में और 13 में, ध्यान दो हमें क्या चाहिए, प्लस का 1, तो बड़े वाला प्लस और छोटे वाला माइनस, क्या सभी को फैक्टर्स क्लियर है, फैक्टर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को फैक्टर्स क्लियर है, वाई फॉर यस एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स, यस स्टूडेंट्स, बेटा सभी बच्चे रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, बेटा वेरी गुड वेरी गुड, रिप्लाई करो बेटा वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, फैक्टर्स 14 और 13। अब क्या करेंगे, देखो सर ने आपको समझा रखा है, एक चीज याद रखनी है, एक प्लस का आ जाए एक माइनस का आ जाए, तो पहले क्या लिखोगे, माइनस का, क्लियर है, माइनस का 13x प्लस का 14x, क्वेश्चन में क्या था, माइनस का 182 इक्वल्स टू 0, क्लियर है, गॉट इट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कॉमन आया x, क्या बचेगा, x माइनस 13, क्लियर है, यहां पे क्या है प्लस, यहां पे 14, यहां पे 182, 14 मल्टीप्लाई 13, क्या कॉमन आया 14, क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा, x माइनस 13, क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, यहां से दो रास्ते, x माइनस 13 को 0 कर दिया, x की वैल्यू 13, x प्लस 14 को 0 कर दिया, x की वैल्यू माइनस 14, क्या सभी को यहां तक क्लियर है, यस स्टूडेंट्स, रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, सभी बच्चों का काम शाम तक आ जाना चाहिए मेरे पास, क्या सभी को ये बात क्लियर, होमवर्क डेली डेली, अदरवाइज डेली फोन करूंगा घर पे, ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, मैं ये वाला ले लूं या ये लूं, किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा, क्वेश्चन में वर्ड का पॉजिटिव मतलब मुझे लेनी है पॉजिटिव वैल्यू, कौन बताएगा चैट बॉक्स में, पॉजिटिव ये है या पॉजिटिव ये है, बोलो बताओ कौन सी वैल्यू लूं, 13 या माइनस 14, पॉजिटिव कौन सी है, पॉजिटिव, यस यू आर राइट, पॉजिटिव वैल्यू इज 13, हम क्या कर देंगे इसको नेगलेक्ट कि ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है 13, लेकिन हमसे पूछे थे दो नंबर दोनों लगातार, तो 13 के बाद 14, क्या सभी बच्चों को आंसर क्लियर है, आंसर एक नंबर आएगा 13 और एक आएगा 14, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्लियर, एक एक चीज कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, अगर कोई दिक्कत ना हो वेरी गुड थैंक यू, सभी बच्चे पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में किसके बारे में बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 5 में की गई है बात राइट ट्रायंगल की, तो आप सभी को पता होगा राइट ट्रायंगल में होती है तीन चीजें, कौन कौन सी, बी फोर बेस, P4 perpendicular और H4 hypotenuse, क्या सभी को पता है, Y for yes and for no, हाँ बेटा
सभी बच्चे बताएं चैट बॉक्स में, क्या सभी बच्चों को ये पता है कि राइट ट्रायंगल के अंदर बेटा वी हैव थ्री थिंग्स, वन इज नोन एज बेस, वन इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड वन इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। इसी का दूसरा नाम, दूसरा पर्यायवाची शब्द कौन सा है, एल्टीट्यूड। बोलो सभी, क्या सभी को तीनों नाम याद हो गए, कौन कौन से हैं बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर ना बोले तो क्या बोलेगा, एल्टीट्यूड। क्लियर है, इसके अंदर एक थ्योरम लगती है, उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या सभी को यहां तक क्लियर, यहां तक आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, पाइथागोरस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन ध्यान से। क्या दिया, एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर कम, किससे बेस से। कोई मुझे बताएगा एल्टीट्यूड की बराबरी किससे हो रही है। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, एल्टीट्यूड की बराबरी किससे हो रही है, बोलो चैट बॉक्स में, एल्टीट्यूड की बराबरी किससे हो रही है। आप सभी को एक चीज याद रखनी है, जिससे बराबरी हो उसको एक्स माना जाता है। क्लियर है, हमें क्या बोला गया है, एल्टीट्यूड क्या है 7 कम, किससे बेस से। एल्टीट्यूड क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर कम, तो हमने क्या किया, बेस को मान लिया एक्स, तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा एक्स माइनस 7। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है। अगर मैंने बेस को एक्स मान लिया तो मेरा एल्टीट्यूड क्या आएगा एक्स माइनस 7। बताओ सभी चैट बॉक्स में दोनों चीजें क्लियर। बेटा क्वेश्चन को करेंगे स्टेप वाइज, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। साथ में बेटा हमको एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, तो ये हमने लिख दी 13। अब हमें क्या लगाने हैं ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें क्या करना, देखो बहुत आसान है, बेस कितना आ गया हमारा एक्स, एल्टीट्यूड कितनी आ गई एक्स माइनस 7, एक्स कितनी है 13। क्या सभी बच्चों को ये इक्वेशन क्लियर है, क्या सभी बच्चों को ये इक्वेशन क्लियर। अब हमें क्या करना है, उसी तरह सोल्व करना है, और हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है। देखो बिल्कुल आसान है, बोर्ड पे करता हूं समझाता हूं, देखो एक्स स्क्वायर का तो बेटा एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लगेगा ए माइनस बी का स्क्वायर, सभी को याद होगा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, किसी को याद है 13 का स्क्वायर चैट बॉक्स में बोलो, किसी बच्चों को याद है 13 का स्क्वायर, यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूं 13 का स्क्वायर, वेरी गुड, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, वेरी गुड आपको याद है। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14x इक्वल्स टू 169। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप एक्स और एक्स दो बार हो गया 2x स्क्वायर, फिर लगेंगे एक्स प्लस का 49 प्लस विल बिकम माइनस। सभी बच्चे इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं चैट बॉक्स में क्या आने वाला है, सभी बच्चे सॉल्व करें फटाफट चैट बॉक्स में बताएं क्या आने वाला है। वेरी गुड बोलो, वेरी गुड, 169 माइनस का 49 नौ मच, वेरी गुड 120 तो आएगा, माइनस कौन खा गया भाई, सुबह सुबह भूख लग रही है, माइनस कौन लगाएगा, यस आंसर में आएगा माइनस, क्योंकि बड़े वाला क्या है माइनस का। क्या सभी को क्लियर, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा मुझे मिलेगा 120, बट बड़ा कौन है माइनस का। क्लियर है, गॉट इट,
हम इक्वेशन को क्या करेंगे, छोटा। कैसे करेंगे, दोनों साइड क्या करें, दो से डिवाइड, दो से डिवाइड, दो से, दो से और दो से, ध्यान दो, दो से तो क्या हो गया कट, क्या आ गया x स्क्वायर, 2 1 सा 2 7 सा 7x, दो से काट दिया 60 पे, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। चैट बॉक्स में y फॉर यस n फॉर नो, क्या सभी को इक्वेशन क्लियर, क्या सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर, इक्वेशन यस स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में y फॉर यस n फॉर नो, आप सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे नंबर क्या बेटा एक, यहाँ पे क्या है माइनस का 7, यहाँ पे क्या है 60, सोचो सभी मन में, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए माइनस का 60, हमें क्या करना है दो नंबर्स में बांटना है, उन दोनों नंबर्स का जोड़ कितना आना चाहिए माइनस का 7, सोचो 60 कैसे कैसे बन सकता है, सोचो 60 कैसे कैसे बन सकता है, वेरी गुड वेरी गुड, सोचो बेटा, अगर दो से डिवाइड ना करें तो बेटा मल्टीप्लाई बड़ी आ जाएगी, नंबर बड़ा आ जाएगा, फैक्टर सोचने में प्रॉब्लम होगी, तो नंबर को छोटा कर लो, वेरी गुड, सभी आंसर ठीक आ रहे हैं, हम क्या तोड़ेंगे बेटा 12 में और 5 में, क्यों 12 और 5 से क्या बन जाएगा 7, क्लियर है, गॉट इट, हमें क्या चाहिए माइनस का, तो बड़े वाला माइनस छोटे वाला प्लस, क्लियर है, गॉट इट, सर ने भी बताया था एक माइनस एक प्लस, तो पहले क्या लिखेंगे माइनस वाला, फिर क्या लिखेंगे प्लस वाला, माइनस का 60 इक्वल्स टू 0, क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप कॉमन क्या आएगा x, क्या बचेगा x माइनस 12, क्या सभी को क्लियर, कॉमन क्या आया x, यहां पे कितना था x, दो बार x, क्या बचेगा एक बार x, आ गया कॉमन, क्या बचेगा 12, क्लियर, नेक्स्ट स्टेप 5 में 5, 5 मल्टीप्लाई 12 से, क्या कॉमन आ गया 5, क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, क्लियर है, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 12, क्या बचेगा x प्लस 5, यहां से दो रास्ते, x माइनस 12 को 0 किया बेटा x की वैल्यू आ गई प्लस 12, x प्लस 5 को 0 किया x की वैल्यू माइनस 5, कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में 12 लेंगे या माइनस का 5 लेंगे, बोलो कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में 12 लेंगे या माइनस का 5 लेंगे, बोलो, वेरी गुड रिप्लाई आ रहे हैं बेटा, वेरी गुड, अच्छा जी माइनस का 5 क्यों नहीं लेंगे भाई, उसने क्या बात कर दिया, माइनस का 5 क्यों नहीं लेंगे, रीजन बोलो, हमारे पास कारण होना चाहिए ना, हम लिखेंगे नेगलेक्ट, नेगलेक्ट क्यों करें, क्या कर दिया उसने, बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, क्लियर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये नेगेटिव नहीं हो सकते, क्लियर है, वाई फॉर यस एन फॉर नो, क्या सभी को ये बात क्लियर, वेरी गुड, तो हम क्या बोलेंगे हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो कितना है 12, इट मींस जो हमारा बेस था वो कितना आ गया 12, ऐसी जुड़ क्या जाएगी 12 में से 7 गया 5, तो क्या सभी बच्चों को दोनों आंसर क्लियर, बेस की वैल्यू 12 और एल्टीट्यूड की वैल्यू 5, बताओ सभी चैट बॉक्स में क्या सभी बच्चों को दोनों वैल्यू क्लियर, चैट बॉक्स में वाई फॉर यस एन फॉर नो, क्या सभी बच्चों को हिमांशु सर का समझ में आ रहा है, बोलने की तेज बोलने की स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, बोलने की स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, वाई फॉर यस एन फॉर नो, तेज है तो यस लिखो, तेज नहीं है तो नो लिखो, बताओ फटाफट फीडबैक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में आ जाए हैं उनको पकड़ के लाया हूं, तो बताएं फटाफट, एक मिनट, एक फोन आ रहा था बार बार किसी का, कोई बात नहीं, हाँ जी आगे चले बेटा,
टाइम कम है, क्वेश्चन 6 भी हो पाएगा। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ओके बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान दो। तो जो आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क सिर्फ इतना है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारा आज नहीं हो पाया, ये हम कल करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिकल की जो कीमत है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, वो किस पे डिपेंड करती है कि हमने उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए। सभी बच्चे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्लास के बाद, अभी टाइम कम है तो बोर्ड पे जा दो। मैंने आपको क्या बोला, एक आर्टिकल की कीमत किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमने एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए एक्स। हमें ये चीज गिवन थी, एक आर्टिकल की जो कीमत है वो किसके बराबर है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। आपको ध्यान देना है इस लाइन पे, इस लाइन में क्या कहा गया है, एक आर्टिकल की कीमत क्या है, 3 ज्यादा किससे, जितने आर्टिकल बनाए उसके डबल से। क्या सभी बच्चों को ये लाइन क्लियर है, एक आर्टिकल की कीमत किसके बराबर है, 3 ज्यादा किससे, जितने आर्टिकल बनाए उसके डबल से। क्या सभी बच्चों को कंडीशन क्लियर, कंडीशन आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक से स्टेटमेंट पढ़नी है पूरी, लेकिन स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही काम की बात है। काम की बात क्या है कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो क्या है, 3 ज्यादा किससे, जितने हमने आर्टिकल्स बनाए उसके डबल से। क्या सभी बच्चों को ये इक्वेशन क्लियर है, एक आर्टिकल की जो कीमत है वो क्या है, जितने आर्टिकल बनाए उसके डबल से 3 ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमने आर्टिकल कितने बनाए एक्स, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2x + 3। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो हमने लिखा है 2x + 3, क्या सभी बच्चों को क्लियर। हां जी, चैट बॉक्स में बाय फॉर यस एंड फॉर नो, कोशिश करेंगे समझ में आएगा, कोशिश करनी है कोशिश। अब ध्यान दो, मुझे एक चीज बताओ, मैंने आर्टिकल तो बनाए x, एक आर्टिकल की कीमत है 2x + 3, अब मुझे बताना है टोटल कॉस्ट कितनी, तो हम कैसे बताऊंगा, ध्यान दो। मान लो मैंने बनाए 5 आर्टिकल, ठीक है, और एक आर्टिकल की कीमत है 10 रुपए, तो कौन से बताएगा मैंने टोटल कितने पैसे दिए। मैंने बनाए 5 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत 10 रुपए, तो कितने पैसे के आर्टिकल बनाए मैंने, कितने पैसे के, बोलो बेटा बोलो, स्पीकर सोचो सोचो, एक आर्टिकल 10 रुपए का, आर्टिकल कितने हैं 5, तो 10 × 5 = 50, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 50। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कैसी आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कीमत। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, जितने आर्टिकल बनाए वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। वहां से क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर है, हमने क्या मान लिया, आर्टिकल्स कितने बनाए एक्स, एक आर्टिकल की कीमत 2x + 3, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में जान देंगे कितने की बने 90। क्या सभी को इक्वेशन क्लियर, क्या सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर है, इक्वेशन आर्टिकल हमने बनाए एक्स, एक आर्टिकल की कीमत 2x + 3, टोटल कॉस्ट 90। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, सोल्व करके फैक्टर्स बनाने हैं। क्लियर है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, अपनी कॉपी पूरी कर लेना। क्या सभी को होमवर्क क्लियर है, होमवर्क।
चार पॉइंट दो के सिर्फ चार क्वेश्चन करने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। और रात को सोने से पहले मेरे पास काम आ जाना चाहिए मेरा। क्या सभी को क्लियर ये बात? डेली क्लास, डेली होमवर्क, बाकी कुछ नहीं बस, ठीक है? गॉट इट? हाँ जी बेटा, फिर में करवाएंगे सब कुछ। प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो आ जाएगी, वीडियो को लाइक कर दिया करो, उसके नीचे अपना कमेंट कर दिया करो कि मेरा नाम है, ये है, मैं इस क्लास से हूँ, ताकि टीचर को पता लग जाए कि उसने वीडियो देख ली, ठीक है? मिलते हैं इवनिंग में 3 बजे, इवनिंग में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री, एक्सरसाइज नंबर 3.3। मिलते हैं इवनिंग में। बाय बेटा, थैंक यू, बाय।